गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल आपका सबका स्वागत है और मेरी तरफ से सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और हम लोग अभी उठे सुबह 7 बजे, फ्रेश होकर हो गए मस्त की, और अभी हम लोग का तैयारी चालू है डॉग डालने का। गाड़ी में आप देख सकते हो टोटल 8 डॉग है, एक गाड़ी में चार जाएगा। और फिर निकलते अभी यहाँ से, हमको कम से कम 1400 किलोमीटर जाने का है, बहुत लंबा जर्नी है, तो हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। चलो तो बाकी का को आगे दिखाता हूँ। तो गाइज अभी हम लोग ने डॉग को गाड़ी में लोड कर दिया है, दोनों गाड़ी में आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ अभी कि डॉग हम लोग ने लोड किया हुआ है। एक दो चार छः नौ, ये 4 डॉग है। और ये गाड़ी में राजेश भाई का गाड़ी है, राजेश भाई बहुत अच्छी काम करते हैं। एक गाड़ी है, एक डॉग है, ये 2 है। तो चलो अब हम लोग निकलते हैं। आप देख सकते हैं भोपाल सिटी है प्रॉपर, हम लोग अभी है भोपाल में, भोपाल से निकले हुए अभी। आप देख सकते हो ये भोपाल टू इंदौर हाईवे है, हाईवे इतना मस्त है कि एक खड्डा भी नहीं है, इधर कंटिन्यू गाड़ी चलती रहती है। रोड पे कम से कम 200 किलोमीटर का हाईवे है इंदौर तक है। तो आप देख सकते हो ये पुलिस वाले ने हम लोग की एम्बुलेंस पकड़ी थी इंदौर में, तो उधर 10-15 मिनट हम लोग का गए, अभी टाइम वेस्ट हो गया, उनको थोड़ा भी चाय पानी दे के हम लोग निकले। चलो गाइज गुड आफ्टरनून सबको, अभी हम लोग पहुँचे हैं इंदौर के आगे, हम लोग का CNG ख़त्म हुआ था तो अभी CNG हम लोग लोड कर रहे हैं। भैया भी है देख रहे, हंस रहे, और वो जो मैम जो फोटो निकल रही है उनके ही तो आ गए टोटली। तो हम लोग अब और जर्नी हम लोग का बहुत बाकी है, तो चलो मिलते आगे फिर। गाइज आप देख सकते हो इतनी बड़ी नदी है, ये नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो गाइज अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं होटल पे, आप देख सकते हो, और उन लोग को भी घुमाने के लिए निकाले हम लोग ने बाहर। ये मैम है जो जिनके डॉग है, ये 2 डॉग एक है और गाड़ी में और है, तो उनको भी हम लोग अभी थोड़े टाइम में घुमाएंगे इनका होने के बाद, और उनको प्लस खाना भी दे देंगे, उनका खाना भी हमारे साथ में है। अब देख सकते हो तो गाइज हम लोग ने अभी खाना पीना खा लिया है मस्त बेगी, इनको भी खाना खिलाया है, लोग भी अभी सूट हो रहे और अभी खाना पीना खा के हम लोग अभी आगे के जर्नी के लिए निकले हैं। तो चलो थैंक यू। लोग अभी MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पहुँचे, आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, पूरा जाम लगा हुआ है ट्रक और ये सब कुछ। और अभी हम लोग निकल गए यहाँ से, बॉर्डर है इसके लिए पूरा चेकिंग वगैरह होता है इधर, MP और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो गाइज अभी हम लोग पहुंचे हैं 40 गाँव, 40 गाँव के थोड़ा आगे है हम लोग, अभी यहाँ से ऐसा औरंगाबाद सोलापुर होके जाएंगे, फिर वहाँ जाके अभी हम लोग 40 गाँव का एक घाट लगता है, वो घाट में है हम लोग, तो ये बहुत बड़ा घाट है तो आपको दिखाते हैं, कन्नड़ घाट करके बोलते हैं इसको।
और मैं पहली बार ये घाट चढ़ रहा हूँ। इतना आज तक जर्नी किया लेकिन ये घाट में कभी आया नहीं था मैं। इसको कन्नड़ घाट बोलते हैं, 40 गांव के आगे है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट औरंगाबाद, फिर औरंगाबाद से सोलापुर, फिर सोलापुर से होके हम लोग हुगली जाएंगे, फिर हुगली से गोकर्णा। हम लोग का जर्नी अभी तक कम से कम 17-18 घंटे का और जर्नी है हम लोग का। अभी अभी तो टाइम हुआ है 8:30 बजे अभी तक। तो हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग रुके खाना खाने के लिए। अभी हम लोग पहुँचे हैं औरंगाबाद क्रॉस करके, बहुत आगे आगे, 50-60 किलोमीटर यहाँ से अभी तक सोलापुर 250 किलोमीटर है। तो चलो तो अभी खाना पीना खाते हैं इधर बैठ के मस्त देखिए। तो आप भी आ जाओ खाना खाने के लिए, रात के 11 बजे अभी, लेट हो गया खाना खाने के लिए और भूख तो लगी। अभी थोड़ा बहुत खाएंगे फिर आगे का जर्नी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। चलो खाना अभी आ गया है, तो हम लोग अभी खा रहे। आप देख सकते हो मस्त, दो बोल दो, दो पहले बोलो बाद में बोलता हूं। गाइस अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, खाना खा के निकल चुके हैं। तो अभी इस देखो सोलापुर 240 किलोमीटर्स बाकी है और सोलापुर के आगे भी जाना है हमको बहुत। तो चलो, और रोड भी एक तरफ से अच्छा है, बेटर है रोड, खड्डा वगैरह कुछ नहीं है। ये धुले सोलापुर बाईपास है, हाईवे प्रॉपर हाईवे। तो चलो मिलते अपन आगे। बजे सुबह के 4 और अभी हम लोग है सोलापुर में, प्रॉपर सोलापुर के अंदर, सिटी के अंदर है। सिटी के अंदर से रास्ता दिखाया हम लोग को मैप में, तो अभी हम लोग को मैप को फॉलो करके सोलापुर के अंदर से जा रहे हैं। गाइज आप देख सकते हो अभी हम लोग वापस महाराष्ट्र से कर्नाटक एंटर कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये अपना बॉर्डर है महाराष्ट्र और कर्नाटक का। तो अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र से वापस कर्नाटक के अंदर एंट्री कर दी है। तो चलो फिर अभी आगे का जर्नी आपको दिखाते हैं। अभी के सुबह के बजे है 4:30, 4:30 बजे हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस किए। गाइस अभी हम लोग है कर्नाटक के विजापुर में है। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ से विजापुर से अभी हुगली तक मेरे ख्याल से पूरा सिंगल रोड है। तो अभी हम लोग जा रहे और सुबह के अभी बजे 7:15। तो सबको मेरी तरफ से फिर एक बार वेरी सी गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हो व्यू, मॉर्निंग गाइज। हम लोग का सीएनजी अभी खत्म हुआ था, तो अभी हम लोग पहुंचे है गॉड गली, ऐसा कुछ तो नाम है कर्नाटक में। तो अभी सीएनजी फ्यूल करके अभी हम लोग और आगे जाएंगे। हम लोग 6 घंटे का और जर्नी है हम लोग का। यहाँ पे 83 रुपीज है सीएनजी का प्राइस। गाइज अभी हम लोग पहुंचे है प्रॉपर हुगली में कर्नाटक का, और अभी हमको यहाँ से जाना है कम से कम और 150 किलोमीटर, 3-3.5 घंटे का सफ़र है यहाँ से भी। और अभी धूप भी बहुत है, गर्म भी बहुत हो रहा है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, अभी सीएनजी वगैरह लोड की है,
बदले में तो निकल रहे थे। चलो तो गाइस कैसा लग रहा है रोड आप बताओ कमेंट करके। पूरा जंगल एरिया है, अभी तक हम लोग का 100 किलोमीटर और बाकी है, 2-2.5 घंटे का और सफर है। आप देख सकते हो रोड भी कितना अच्छा है, पूरा जंगल एरिया है, गाड़ी भी चलाने के लिए मजा आ रहा है। सिंगल रोड है लेकिन तो गाइस आप देख सकते हो अभी हम लोग अभी 10 किलोमीटर हम लोग अभी बाकी है और पोखराना के लिए। पूरा अंदर अंदर से रोड है विलेज से और रोड भी एकदम छोटे है। गाइस आप लोग अभी फाइनली पहुंचने वाले हैं 5 मिनट के अंदर। आप रोड भी देख सकते हो कैसे है, छोटे छोटे रोड है, मस्त की बंगले है इधर, पूरा विलेज टाइप का घर है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए इधर स्पॉट पे, देख सकते हो कितना मस्त जगह है। अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए गोकराना, देख सकते हो ये स्पॉट है, इधर का दोनों गाड़ी लगा हुआ है। और अभी गुड इवनिंग गाइज, हम लोग अभी आए प्रॉपर गोकराना के बीच पे, तो हम लोग का गाड़ी वगैरह हम लोग अभी पार्क किया है मस्त इधर, और अभी हम लोग चल के जा रहे हैं उधर। हम लोग ने रूम लिया है, आपको दिखाते हैं अभी रूम भी, और ऐसे अभी मस्त देखिए यहाँ पे एक नाइट स्टे करेंगे हम लोग, फिर स्टे करके कल सुबह वापस उठ के हमारा जर्नी बॉम्बे के लिए स्टार्ट हो जाएगा हमारे घर के लिए। तो चलो दिखाते हैं आगे का। गाइस हम लोग का ये इधर बीच है और ये हम लोग का रूम है, मस्त देखिए आज एक नाइट स्टे करेंगे हम लोग। ये हमारा दीनू बाबू है, इसने हमारा आज रूम को रूम दे दिया है, तो उसका हम लोग नंबर शेयर करेंगे आपको। हम लोग अभी आए हैं बीच पे, तो अभी 1-1.5 घंटा मस्त पे की एंजॉय करेंगे यहाँ पे, थोड़ा पानी में जाएंगे नहाएंगे। इसको बोलने वाला था पर नहीं बोल सकता, वो थोड़ा पर्सनल बात है। अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे, थोड़ा नहाएंगे मस्त पे की एंजॉय करेंगे, तो आप भी आ जाओ। मैसेज बीच को घर गंदा मत कीजिए प्लीज, यहाँ आके हम लोग आ गए बीच पे। मेरा मोबाइल है इसके लिए मैं जा नहीं सकता ज्यादा अंदर, जितना हो जाएगा उतना हम लोग जाएंगे अंदर, नहीं तो मोबाइल की पूरी वाट लग जाएगी। हाय गाइस हम लोग अभी बीच से आ गए रूम पे, बीच पे पूरा एंजॉय किया, एंजॉय करके हम लोग अभी वापस एंजॉय कर रहे हैं हमारे रूम के। इधर मस्त झूला है, हम लोग झूला खेल रहे हैं आप देख सकते हो, और ये हम लोग का रूम है और यहाँ पे मस्त खेती भी है यहाँ पे आप देख सकते हो, और पीछे के साइड बीच है। तो आपको भी कभी आना रहेगा तो नंबर मैं शेयर करूँगा। गुड मॉर्निंग गाइस सबको, अभी हम लोग उठे फ्रेश वगैरह हो गए, तो अभी बाकी के मेरे फ्रेंड्स बाहर बैठ के वो लोग अभी नाश्ते का उनका तैयारी चालू है, तो वैसे बैठे उधर आराम से वो नाश्ता लेके आ रहे, जो घर उसका रूम है उनका वो लोग नाश्ता वगैरह फ्री देते इधर, तो चलो नाश्ता करते अभी। तो गाइस नाश्ता वगैरह हम लोग का आ गया है, वो लोग ने डोसा दिया है, सांभर दिया है, पर चटनी नहीं दी है, अभी मालूम देंगे कि नहीं देंगे मालूम नहीं, अपन फोर्स तो नहीं कर सकते उनको, तो जो भी है खाने का बस अपने घर के लिए अभी निकलने का। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं गोकर्णा से, अभी गोकर्णा में एक टेम्पल है बहुत फेमस है, गणपति का मंदिर है और एक
कोई तो है मुरडेश्वर करके टेम्पल है, जैसे दो टेम्पल है इधर, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थोड़ा दर्शन वगैरह करेंगे, फिर वहाँ से दर्शन करके निकल जाएंगे वापस। चलिए गाइस, हम लोग अभी गाड़ी पार्क करके वगैरह आ गए, अभी चल के जा रहे, तो अभी घर को निकलने से पहले हम लोग दर्शन वगैरह करेंगे मस्त देखी। बहुत फेमस मंदिर है, आप देख सकते हो इतना कितना भीड़ है। मैंने फूल वगैरह ले लिए पर बहुत भीड़ है, पूरा बहुत लाइन है आप देख सकते हो, तो हम लोग जितना हो जाएगा उतना बाहर से ही दर्शन करके निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग को जर्नी बहुत लंबा करना है और उसके लिए टेम्पल के अंदर तो नहीं जा सकते। गाइस हम लोग ने मस्त मजे किए पानी में जाके, वापस बाहर आए, अभी वापस जा रहा हूँ, पूरा गीला हो गया मैं, पानी भी एकदम अच्छा है, वैसे भी साफ सुथरा है, आप देख सकते हो दोस्त कैसे मजे कर रहे। ये देखो ये पागल देखो हमारा, उधर वहाँ का दर्शन हो गया हम लोग का, अभी हम लोग आ गए गणपति का मंदिर है इधर, आप देख सकते हो श्री महागणपति देव, यहाँ पे भी बहुत भीड़ है लेकिन अपने गणपति के लिए भी देख सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग ने यहाँ पे लाइन लगाया है आप देख सकते हो, और बहुत बड़ा लंबा लाइन है गणपति दर्शन के लिए। अभी गणपति का दर्शन हम लोग का हो गया है, और उधर मोबाइल एक्चुअली अलाउड नहीं है, तो गणपति का दर्शन वगैरह करके हम लोग भी निकल रहे हैं। चलो फाइनली हम लोग का गणपति का दर्शन हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर का कुछ दिखा नहीं सकते, तो चलो जितना बाहर का हो जाएगा उतना दिखाएंगे हम लोग। तो हम लोग को अभी शिवशंकर का भोलेनाथ का भी हम लोग दर्शन ले लिया है, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम लोग अभी, तो आप देख सकते हो पूरा बहुत जमाने का ये रथ है, जब इन लोग का पालकी वगैरह रहता है तभी वो लोग शायद मेरे ख्याल से निकालते हैं, तो आप देख सकते हो कितना जूना पुराना है, उसका चक्का भी आप देख सकते हो कितना बड़ा है पूरा, और उसका हाइट भी देखो कितना बड़ा है आप देख सकते हो पूरा। तो गाइस हम लोग अभी फाइनली देव दर्शन हम लोग का हो गया है भगवान का मस्त पैकी, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर की तरफ। चलो तो गाइस हम लोग फाइनली अभी हाईवे पकड़ा है, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर की तरफ। अभी इधर गाड़ी थोड़ा पार्क की है, यहाँ पे मस्त नदी है, तो नदी में मेरे फ्रेंड्स भी इधर बैठे हैं, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ नीचे, एकदम पूरा शांति है यहाँ पे मस्त बेकी, देख सकते हो आप कितना बड़ा नदी है। अरे ओम शांति कर रहा है मेरा दोस्त, क्या टेंशन है उसको कुछ पता नहीं, देखते हो कैसा हार्ट की उधर पलटी हुआ है ट्रक, कैसे हुआ क्या हुआ, शायद रात को वेल है। ऐसा एक हार्ट भाई, पहाड़ी पहाड़ी है, कर्नाटक का घाट है, नाम तो नहीं पता हम लोग को कौन सा है पर कर्नाटक में है। भाई अभी हम लोग रुके थोड़ा एक 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, तो हम लोग अभी नारियल पानी पी रहे मस्त रहेगी इधर, ओ भाई साहब क्या टेस्ट है नारियल का, एक नंबर। ओ मेरे दोस्त लोग भी पी रहे हैं आप देख सकते हो मस्त पैकी, गर्मी भी इधर है ये साइड में कर्नाटक में, बंदा कैसा खा रहा है मंकी के जैसा खा रहा है, देखो इसको कभी मिला ही नहीं है खाने को ऐसा खा रहा है, देख सकते हो भाई थोड़ा मलाई भी यहाँ से निकला इसमें से, तो मलाई खा रहे अभी आप भी आ जाओ खाने के लिए। गुड इवनिंग गाइस, हम लोग कर्नाटक में है, शाम के 5:30 बजे है,
हमारे घर की तरफ। तो गुड इवनिंग गाइस, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं प्रॉपर महाराष्ट्र बॉर्डर और कर्नाटक बॉर्डर है, बस अभी कर्नाटक में है, अभी एक टोल क्रॉस करेंगे तो अपना महाराष्ट्र चालू हो जाएगा। चाय वाय पीते है मस्त, देखिए इधर स्टॉल है, स्टॉल में थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे उधर, फिर निकल जाएंगे। अभी रुके कराड़ में, पासवर्ड फटा तो मेरा दोस्त मिला है उत्तर, आया था खाना खाने के लिए उसके फैमिली के साथ, तो वो बोला मिलके जाने के लिए, तो वो मिला है तो उसके साथ बात भी की एक 5-10 मिनट। अभी हम लोग वापस हमारे जर्नी के लिए निकल रहे, चलो जर्नी। अभी टाइम हो गया है रात के 10 बजे और हम लोग अभी रुके कराड़ में, कराड़ में एक शिवराज ढाबा करके एकदम फेमस है, तो उधर हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं, तो चलो। अभी हमारा खाना मंगाया है, यहाँ का मसूर और रोटी यहाँ का स्पेशल है जो एकदम मिलता है, आप देख सकते हो भीड़ भी कितना है खाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो गाइज हम लोग ने अभी खाना वगैरह खा लिया है मस्त, तो अभी हम लोग आगे निकल चुके हैं हमारे घर की तरफ, और हम लोग यहाँ से हम लोग को और 5 घंटे का सफ़र है, 5 या 6 घंटे का सफ़र है कराड़ से मुंबई तक, तो चलो। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।